तो मैं जैसे ही जा रहा हूँ देखो आप बस फिश की ग्रोथ देखो खाना दूंगा तो आप देख पाओगे इसको उठाते हैं ये देखो पांच गोल्डन है इसमें दो फीमेल है एंड आई थिंक इसमें तीन मेल है ये टैंक बिल्कुल सही है गाइस चौदह दिन के बाद आया फिर भी मस्त लग रहा है ये देखो ब्लैक वाले को अरे तो यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हैं ब्लू ड्रैगन डम्बो डम्बोर की गप्पी के बच्चे को कैसे तो मैंने रेस्क्यू किया यार तो दोस्तों इनको देखो यार ये और अच्छे लग रहे हैं हेलो गाइस वेलकम बैक माय चैनल मैं नाम संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोरिंग फिशिंग गाइस सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं फिशिंग की वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि गाइस मेरी तबियत थोड़ी खराब हो गई है या आप देख पा रहे हो वेदर ठंडी ठंडी है और मुंबई से आया फिर यू you नो know, ये जो वेदर का चेंज हुआ इसके वजह से पर गाइस जल्दी ही जाऊंगा मैं खूब एक्साइटेड हूँ की मुझे जाना है एंड बहुत सारे नए नए टेक्निक से मेरे पास मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है और उन सबको लेके जाएंगे फिशिंग के लिए फिर करेंगे सोलो फिशिंग डुओ फिशिंग ट्रिपल फिशिंग फैमिली फिशिंग जो भी है ये सारा जो आप देख रहे हो ये सारे मेरे चैनल से शुरू हुआ ट्रेंडिंग वाले ये सारे हमारे वीडियोस है

वैसे रिंग टैक्ट लगा दिया है लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए आप देखो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है ये पूरा वाटर स्पिनच का जो प्लांट है वो एकदम इतना मस्त क्लाइम किया यह क्लाइंबिंग प्लांट है और यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं आई थिंक सर्दियों के मौसम में बहुत बढ़िया फ्लावर्स आने वाले मैं यहाँ पे कोई बर्ड्स देख नहीं रहा हूँ फ्लावर के अभी तो ये काफ़ी मस्त ग्रो किया जैसा मैंने सोचा और आपको पता है ये कहाँ से ग्रो कर रहा है इस एक्वेरियम से अंदर वाले एक्वेरियम से आप सोचो इसको कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होगा इसलिए इतना अच्छा ग्रो कर रहा है ना पूरा ये मैंने खिड़की में ऐसे फैल गया जो मैं हमेशा चाह रहा था और हमारे यहाँ से जो ग्रोथ हो रही है हमारे मनी प्लांट वगैरह की देखो ये भी कितना अच्छा हो रहा है हाइड्रोकोटाइल वगैरह तो ये तो पूरा गप्पी फ्राई के लिए मैंने टैंक बनाया हुआ है जितने भी फ्राइज आएंगे नए हम डालेंगे अब तो ये तीन महीने के हो चुके हैं एंड आप एक बार मैं अभी आपको सामने से दिखाने वाला हूँ एक एक उठाने भी वाला हूँ और ग्लास पर डाल के भी देखेंगे ठीक है इसमें हाई क्वालिटी गप्पीज भी है एंड प्रैक्टिस के फ्राई भी काफ़ी बड़े हो गए राइट चलो देखते हैं एक तो पता है इतने प्लान्स हो गए ना फिर इनको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बट चालाकी से पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस आ गए हैं आ जाओ भाई आ जाओ कौन कौन है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखो इनके साइज़ ये देखो बढ़िया बढ़िया इसमें तो मिक्सड है पूरे और फीमेल्स बहुत सारे हैं मैं आपको ना जो हाई क्वालिटी वाले हैं ना उनको छाट के दिखाता हूँ पहले ठीक है तो गाइज हाई क्वालिटी गोल्डन आर रेडी आप देख पा रहे हो मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरे को मिक्सड फ्राइज में से इतने सारे गोल्डन मिले हैं अभी दो और है इसके अंदर जिसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ इनको मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ इसलिए मैंने इनको निकाल लिया है इसमें फ़ीमेल्स एंड मेल्स सब है दिखाता हूँ आपको भाई अब अगर ऐसे फिश हमें मिल जाए मान लो आपके पास सत्तर अस्सी फ़्राइस है उसमें से अगर आपको ऐसे कुछ फ्राइज भी मिल जाए ना तो यार मैं क्या बताऊँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इनको जो है अलग से ब्रीड करवा कर इनकी क्वालिटी को रिटेन कर सकते हो ठीक है ये काफ़ी सुंदर है इनके कलर्स और एनहांस होंगे क्योंकि मैं पंद्रह दिन तक नहीं था तो खाना इनको एक ही टाइम पड़ा है तो अभी इनका प्रॉपर केयर चलेगा और इनकी कलर्स फिर आप देखना तो इनको मैं ट्रांसफर करने वाला हमारे उस टैंक में जो अंदर है ठीक है यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स सब है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको देखो पाँच गोल्डन है इसमें दो फीमेल है एंड आई थिंक इसमें तीन मेल है तो क्या सबसे पहले हम इन गोल्डन को एक्लीमेट करके डाल के आते हैं उसके बाद यहाँ पे जो जो फ्राइस है मतलब कि जो हाई क्वालिटी के फ्राइस है वो दिखाएंगे हेलो अगर मैं अपने बैकयार्ड पॉइंट पे हूँ एक आप लोग को जो है क्लिप दिखा देता हूँ बैकयार्ड यार्ड का कि क्या हालत हुआ है बहुत लोग वेट कर रहे हैं और खाना भी है मेरे पास खाना देंगे और अभी आप फिश को ठीक से देख पाओ क्योंकि पानी थोड़ा क्लीन हो चुका है ठीक है और फिश को दिखाता हूँ आपको देखना क्या मस्त हुआ है इसका पूरा वीडियो ना आई थिंक दो तीन दिन के बाद दूंगा इसको क्लीन करेंगे ना तब और फिश को उठा के भी देखेंगे कि कितने बड़े हुए हैं पहले फिश को अभी देख लेते हैं तो मैं जैसे ही जा रहा हूँ देखो आप बस फिश की ग्रोथ देखो खाना दूंगा तो आप देख पाओगे इसको उठाते हैं ये देखो देख रहे हो सारे के सारे फिश बिल्कुल ठीक है मेरे भाई ने मुझे कॉल करके डरा दिया था कि तेरे फिश मर रहे हैं लेकिन उसने बस डराया था मुझे सारे के सारे फ़िश आप पे हेल्थी है आने के बाद मुझे पता चल गया अभी खाना देता हूँ और आप साइज़ देख पा रहे हो कितने बड़े हुए खाना दूंगा फिर देखते हैं ठीक है तो ये खाना देंगे जिसमें ड्राइड फिश है शिम्स है और ये सारा तो देखो अभी कैसे आएंगे खाने के लिए देखना देखो 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 देख रहे हो ढाप धूप खा रहे लोग कितना बड़ा हो गया अरे फिश और वो का है हमारे हमारा रूपचंदा किधर है जिसको पाकू बोलते हैं ना वो तो अंदर अंदर कहीं है उनको ही निकालना है गाइस तो तब पैकेट पॉइंट का अपडेट दूंगा देखो कैसा लगा ज़रूर बताना इसका अपडेट आ जाएगा गाइस कल परसों तक तो गाइस मैं बताया था मेरे इस फिश टैंक के बारे में जहाँ पे मैंने दो चार रिवर फिश छोड़े थे आप लोग को याद होगा कि मैंने यहाँ पे सिलेंडर आसपुरा भी छोड़ा था आने के बाद मुझे नहीं दिखी मम्मी बोली इसने जम कर दिया था इसलिए अब हम नहीं डालेंगे यहाँ पे सिर्फ दो बार्ब्स uh, है जिसके आप देख पा रहे हैं दो ठीक है है तो टोटल चार फिश छोटे छोटे दो दो एंड बार्ब्स है एक बार्ब यहाँ भी है जो मैंने उसके साथ छोड़ा था यानी कि सिलेंडर असगुर के साथ छोड़ा था तो ये तो यहाँ पे टिक गए लेकिन सिलेंडर ने जम्प कर दिया मुझे पता था इसलिए मैंने एक ही ट्राई किया सिलेंडर के लिए नया टैंक बनाएंगे यहाँ पे ढकने का कुछ है नहीं लेकिन इस फिश टैंक में जाने वाला हमारा गोल्ड एन कपीज और ये यहाँ पे जो लगने वाले हैं बहुत लोगों उन्होंने सजेशन दिया भी था कि आप कपीस छोड़ दो सिर्फ गोल्डन छोड़ेंगे ताकि हम सिर्फ इनकी ब्रीडिंग करवा पाए सिर्फ गोल्डन क्योंकि गोल्डन काफी रेयर होता है और काफी अच्छा लगता है और सिर्फ गोल्डन रखेंगे यहाँ पे और हमारे पास जो ब्लू एंजल है ना दो उनको भी अभी छोड़ सकता है पहले मैं देख लेता हूँ एंड गोल्डन के अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा तो क्रॉस ब्रीड हो जाएगा तो गोल्डन के हम बच्चे रिटेन करेंगे ये पूरा गोल्डन एक्वेरियम टैंक मतलब की गोल्डन कपीज के लिए बनेगा तो चलिए इसको पहले एक्मेट कर देते हैं तो ये इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक है वाह क्या प्यारे लग रहे हैं इसमें से दो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट प्रेगनेंट हुएगी ये पता नहीं क्रॉस हो जाएंगे क्या होंगे बट हम इसको मेंटेन करेंगे यहाँ पे मुझे इनकी क्वालिटी रिटेन करना है कितने प्यारे हैं और यहाँ से कपिस जंप भी नहीं करेंगे क्योंकि कपिस वैसे भी जंप नहीं करते तो इनको अभी छोड़ेंगे यहाँ मज़ा आ जाएगा इनको बड़ा वाला टैंक मिल रहा है तो ये एग्लीमेंट हो जाए फिर आता हूँ और ये टैंक कैसा लग रहा है गाइस बताना ये आफ्टर फोरटीन फिफ्टीन डेज के बाद आप देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही है कुछ भी इसमें चेंजेस वाने बल्कि यहाँ पे और मस्त ये प्लांट्स ग्रो करने लगे हैं देख पा रहे आप है ना एंड मिस्ट में का रहता तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सही लगता है यार मीन कल के इस पॉइंट पे आप नज़र डालो ये कल वाला पॉइंट है जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक आइडिया दिया था एक टिप दिया था कि वाटर कैसे क्लीन कर सकते हो अभी आप देखो इसका पानी की क्लैरिटी देखो आप देखो क्या पानी की क्लैरिटी है ना क्या साफ पानी है तो ऐसा कर सकते हो ये ब्लैक वाला तो बड़ा ही सुंदर है यार आ भाई कहाँ भागे जा रहे हो अरे भैया न अरे भा... अरे रे क्या एक्टिव है यार ये पकड़ भी नहीं आ रहा है ये देखो ब्लैक वाले को अरे तुम क्या एक्टिव हो भाई बाप रे इनको ये बहुत चालाक है पता है आपको आ ही नहीं रहे हाथ में कूद जा रहे आया ये देखो कूद कैसे रहा था देखा आपने लेकिन देखो पानी देखो आप पूरा साफ हो गया है चल जा भाई ओके okay, तो गाइज मैं आप लोगों को इन ब्लू एंजल्स के मैं बता रहा था ऐसे मेरे पास दो है आप लोगों को पता है राइट आप रे बहुत एक्टिव है इनको मैं उस टैंक में छोड़ू कि नहीं ये मुझे आप सजेशन देना उसी हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट इनको छोड़ूंगा आज तो मैं नहीं रिलीज़ करूँगा जो हमारे गोल्डन कपीस को हम छोड़े ना वहाँ पर ये ऐसे दो छोड़े कि नहीं क्योंकि ये कोई हार्म तो करेंगे नहीं बेचारे इतने प्यारे इनके साइज़ भी छोटा है तो हम एंजल्स को भी वहाँ पर डेफिनेटली रख सकते हैं और वैसे टैंक में ना एंजल्स काफ़ी सुंदर लगेंगे और ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इतना क्या एक्टिव हो रहा है रे भाई नहीं आ जा देखो कितना प्यारा है नहीं तो ये सजेशन देना अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट छोड़ूंगा ठीक है जाओ भाई चलो लगे हाथ आपको ये भी दिखाते हुए प्रेगनेंट है, है कि नहीं हाँ थोड़ी बहुत तो है पर फिर भी आई थिंक वन मंथ तो चाहिए हो रही है हो रही है एकदम तो से रीडिंग बॉक्स कहाँ से आ गया गाइस खुशी की खबर है बताता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली मैं ये वीडियो ना बाद में रिलीज़ करूँगा लेकिन तो को बता देता हूँ पहले एक बार हमारे इस गप्पी ने देखो फ्राई देखो ऊपर देखो वो कैसे इसके ऊपर झपट रहा है मैं ना बचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको मैं रेस्क्यू कर पाऊँ गाइस मुझे तो दिखा कि इसने एक बच्चे खा भी लिए ले, लेकिन मैंने उसको उपाय भी कर लिया है ये हमारा ब्लू ड्रैगन डम्बो ईयर गप्पी का फ्राई गाइस मैंने कर लिया है रेस्क्यू देखो इस ब्रीडिंग बॉक्स से काफी कहानी चल रही है गाइस जो क्या बताऊं मैं आप लोगों को नए वीडियो में बताने वाला हूं मैं वैसे हमारी गाइस ड्रैगन डम्बो ईयर कप्पी इस बची देने लगी है तो एक को मैंने इसमें डाल के रख दिया है और एक को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया है अलग अलग कर दिया गाइस और वीडियो जल्दी आ जाएगा तो हो चुके फिफ्टीन मिनट्स चलिए अब डालेंगे इनको यहाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको देखने के लिए वाह यार क्या लग रहे हैं ना यार गोल्डन का पीस तो भाई बहुत ही प्यारे होते रहे नाइस बस यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होगी और मजा आ जाएगा गाइस यहाँ पे मैंने इनको छोड़ दिया है अभी जैसे मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप मुझे जरूर बताना इसमें एंजल दोनों को छोड़ो के नहीं उससे ज़्यादा फिश मैं यहाँ पे रखूंगा नहीं बिल्कुल भी तो ये गोल्डन का फिलहाल हो चुका है ये क्या लग रहा है यार वाह ये क्या मारा मारी करने वाले क्या वैसे बाप्स तो कुछ करेंगे नहीं उसका टेंशन मुझे है नहीं उतना तो से फिश वो है तो नहीं एंड गप्पिस काफ़ी एक्टिव होते हैं ना तो इसलिए काफ़ी अच्छे लगते हैं है कि नहीं तो मैं फिलहाल इनमें निगरानी रखने वाला हूँ अगर बाप ने थोड़ा भी कुछ शैतानी किया सीधा निकाल के मैं बाहर के टैंक में डालूंगा और गप्पिस को भी देखने वाला हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे कर रहा है अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है कुछ हो रही है तो वो तो मैं देख ही रहा हूँ वैसे लग तो नहीं रहा देखो घूल मिल गया यार एक साथ घूम रहे हैं सही में यार पाँच गोल्डन उठाए दो गोल्डन तो बाहर है तो अगर सब एडजस्ट हो जाता तो फिर उनको भी आप डाल सकते हैं बाद में तो होपफुली गाइस आपको ये सेटअप अच्छा लगा ये तो आपने देख ही लिया और ये अपडेट एंड बताना जो मैंने आप लोगों को पूछा हुआ है कि एंजल से आप छोड़ो कि नहीं तो अभी चलते हैं बाहर के टैंक में और बाकी कोई गप्पी इसको देख लेते हैं तो अब बारी है हमारी कोई कपीस की ठीक है बाकी तो गाय जितने भी मिक्सड है वो फीमेल्स वगैरह सब है तो वो बाद में भी, भी देख सकते हैं पहले हमें कोई कपीस देखना है ना देखते हैं तो गाय पे एक बार ध्यान से देख लो ये जितने भी कपीस देख लो कोई कपीस को हमें छाट लिया है ये सारे फ़ीमेल्स है देखो पूरा भरपूर फीमेल्स है इसमें येलो फीमेल भी है दिख रहा है वो रहा एंड बाकी अलग अलग फीमेल्स है और लग ही रहा यार ये लोग मतलब क्रॉस ब्रिड तो नहीं हो गए जो भी है तो काफ़ी सारे हैं फीमेल्स इसमें अभी तो बहुत ज़्यादा पकड़ा ही नहीं मैंने इनको रिलीज करता हूँ बस आप लोग को दिखाना था मुझे कि यहाँ पे इतने सारे फ़ीमेल्स है देखो तो दोस्तों इनको देखो यार ये और अच्छे लग रहे हैं अभी इनमें से सारे कोई गप्पीज़ तो है नहीं आई थिंक एक तो पता नहीं यार गाइस अगर आप लोग को नाम पता है बताना लेकिन कितने प्यारे डम्बो ईयर है क्या कुछ तो रहेंगे इनका नाम जो एग्जैक्ट नाम आप लोग को पता रहेगा तो ज़रूर बताना इसमें से एक तो कोई गप्पी फॉर श्योर है जिसका पूरा बॉडी ही मतलब वो देखो उसका जो इसका जो फेस है ना ये भी पूरा एकदम रेड है और बाकी क्या गप्पी से बता देना आप तो ऐसे मेरे पास और भी है उस टाइम में मैंने कुछ बादशे उठाए हैं और इनमें से फीमेल कौन है ये देखना ज़रूरी है आई थिंक दो फीमेल्स लग रहे हैं बाकी सारे मेल्स लग रहे हैं एक दो तो तीन चार मेल है क्या या सभी मेल्स है <laughs> बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी छोटे हैं और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मस्त दिखेंगे इनके फेंस वगैरह और लार्ज हो जाएंगे तो इनका अलग से टैंक बनेगा कैसा लगा बताना गाइज ये सारा मेरा फ्राइज था जो इतने बड़े हुए हैं और इनको इतने मेहनत से मैंने बड़ा किया है और कलर्स भी इनमें भरपूर आया है बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्राइस में कलर्स ही नहीं आते मेरे देखो मस्त कलर्स आए हैं सब में तो होगा मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा और इनका यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको गोल्डन एंड कोई कपीस के बारे में बताया था तो मैंने वो आपको दिखा दिया ठीक है एंड नेक्स्ट मैं हम क्या दिखाने वाला क्या आपको यहाँ पे और कौन से फ्राइस है मिक्स्ड फ्राइस क्या है मॉलिस के बच्चे एंड स्वाट टेल के बच्चे वो सब आपको मैं दिखा दूंगा एंड इसका तो आपको पता ही है मैंने अभी सेपरेट कर लिया है देखो ठीक है तो इसका वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से ब्रीडिंग हो रहा है इनका तो ये एक घंटे के बाद आने के बाद या चार पाँच घंटे के बाद आऊंगा ना बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे एंड इसको मैंने सेपरेट कर लिया और साथ ही में मैंने यहाँ पे मेल को डाल दिया है क्योंकि मेल बड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा इनको उसके बच्चे खा रहे होंगे एंड एक बच्चे को मैंने रेस्क्यू करके इसमें डाल दिया है ठीक है तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये अपडेट अच्छा लगा है तो कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ तब तक के लिए बाय टेक केयर और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर भी करना गाइस एंड बेल आइकन को भी दबा देना चलिए बाय टेक केयर